ऐसा मत कहो चाचा जी, तभी डॉक्टर बाहर आता है। आपकी माँ को HIV था, जिस वजह से उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई, और हम उन्हें और उनके पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बचा पाए। ये सुनकर तीनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं, लेकिन उनका चाचा और चाची उन तीनों को अस्पताल में छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। फिर वो तीनों किसी की मदद से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और कुछ देर बाद घर वापस आ जाती है। ए, क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? तुम्हारे माँ बाप तो खुद चले गए और तीन तीन छोरियों को छोड़ गए हमारी छाती पर मूंग तलने। लेकिन चाची जी, ये ईंट का घर तो हमारी माँ ने अपनी मेहनत के पैसों से जोड़कर बनाया था। बड़ी जुबान चलती है तेरी, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। तुम रहने दो ना इन्हें यहाँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इन तीनों को अपनी नौकरानी बनाकर रखना और खुद रानी की तरह आराम करना। ये सुनकर निर्मला खुश हो जाती है और अब वो ऐसा ही करती है। वो खुद तो आराम करती रहती, लेकिन उन तीनों को घर के काम में लगा देती। धीरे धीरे उसके जुल्म बढ़ते गए और काम भी, लेकिन खाने के नाम पर वो उन्हें सिर्फ बासी रोटी ही देती, जिससे परेशान होकर वो तीनों बहनें एक रात चुपके से वो घर छोड़कर भाग जाती हैं। लेकिन उसके चाचा चाची को ये बात पता चल जाती है और गिरधर उनके पीछे गुंडे लगा देता है। ए, जल्दी से पकड़ो इन छोरियों को, ये यहाँ से भागने ना पाए। भागो, जल्दी भागो। तीनों बहनें तेज तेज भागते हुए एक जंगल में चली जाती हैं और एक बड़े से पेड़ के नीचे गुफा होती है, उसमें बैठ जाती हैं। ये सही ठिकाना है, चाचा के गुंडे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो रात वो तीनों उसी जंगल में गुजारती हैं। फिर अगली सुबह, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। चलो हमें मंदिर के बाहर जाकर भीख मांगनी होगी ताकि खाने का गुजारा हो सके। वो तीनों जंगल से निकलकर मंदिर के बाहर भीख मांगने जाती हैं, लेकिन तभी उन तीनों गुंडों की नजर उन पर जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए भागते हैं। बबीता, निशा, जल्दी करो, उन गुंडों ने हमें देख लिया, चलो जल्दी जंगल की तरफ भागो। लेकिन एक पहाड़ी पर पहुंचते ही वो उनका रास्ता घेर कर खड़े हो जाते हैं। जाने तो हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हमारे मालिक का ऑर्डर है कि तुम तीनों को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मारने से पहले अगर एक बार इन तीनों का स्वाद चख लिया जाए तो ये भी तीन और हम भी तीन, क्या बोलते हो भाई लोग? बात तो तेरी सही है, मारने से पहले क्यों ना हम इनके साथ सुहागरात मना लें, उसके बाद इन्हें मार देंगे क्या? ये सुनकर तीनों बहनें घबरा जाती हैं और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीछे खाई में कूद जाती हैं। अरे ये तो खुद ही मर गई, चलो हमारा काम आसान हुआ। वो तीनों गुंडे वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों जितना नीचे खाई में जाने लगती है, फिर कहीं से एक बहुत बड़े पेड़ का पत्ता उन तीनों को गिरने से बचा लेता है और उन तीनों को सही सलामत उस खाई में उतार देता है। हैं? ये चमत्कार कैसे हुआ, हम तो खाई में गिरकर मरने वाले थे। तभी एक बहुत बड़े पेड़ से आवाज आती है। तुम सब घबराओ नहीं, ये एक जादुई खाई है और मैं इसमें उगा हुआ जादुई पेड़ मैं जानता हूँ। तुम सब शैतान बच्चे होगे जो खेलते हुए पहाड़ी से गिर गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं अब तुम तीनों को वापस तुम्हारी दुनिया में पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं, हमें वापस मत भेजो, वहाँ गंदे लोग रहते हैं। फिर वो तीनों बहनें उस जादुई पेड़ को सारी बात बताती हैं। तुम तीनों परेशान मत हो, अब मैं तुम तीनों को रहने के लिए ईंट का घर दूंगा और तुम सबका परिवार की तरह ख्याल रखूंगा। इसके बाद वहाँ पर तैयार हो जाता है। वाह, हमारे रहने का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन खाना मैं अपनी छोटी बहनों को क्या खिलाऊंगी? घबराओ नहीं, ये लो ये ईंट का घर, अब तुम इसमें आग जलाकर जो कुछ भी खाने का मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, तुमने हमारी बहुत मदद की है। वो तीनों बहनें उस ईंट के चूल्हे को घर में ले जाती हैं और उसमें आग जलाकर उससे तरह तरह का खाना मांगती हैं। वो जो कुछ भी खाना मांगती उनके सामने लजीज खाना हाजिर हो जाता। वो तीनों खाने पर टूट पड़ती हैं। उसे खाने के बाद निशा कहती है, दीदी मेरा मैगी खाने का दिल कर रहा है और मेरा कुछ मीठा जैसे मिठाई खाने का। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए इस ईंट के चूल्हे से मैगी और मिठाई मांगती हूँ। ए ईंट के चूल्हे, जल्दी से हमें मैगी और मिठाई दे, और हाँ मुझे दूध भी पीना है। उसके इतना कहते ही उनके सामने वो सब चीजें प्रकट हो जाती हैं। अब वो तीनों बहनें वहाँ खुशी खुशी रहने लगती हैं और जब कभी उनका बाहर जाने का मन होता तो वो पेड़ उनकी मदद करता, जिसके बाद वो वापस सही सलामत उस गुफा में आ जाते हैं।